दिनांक श्रीमती मोहरी देवी तापरिया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रबंधकीय कौशल के बारे में। तो प्रबंधकीय कौशल क्या होते हैं? कोई भी इंसान या व्यक्ति मैनेजमेंट करता है, प्रबंध करता है, तो प्रबंध के लिए उसमें एक निश्चित योग्यताएँ होनी जरूरी है। बिना योग्यता के वो प्रबंध नहीं कर सकता। जैसे कि हम कोई भी फील्ड में जाए, अब हमको किसी को पढ़ाना है तो उसमें टीचिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। टीचिंग एबिलिटीज में है कि पहले उसमें विषय का ज्ञान हो, उसमें अच्छा लीडरशिप हो, वो बच्चों को अच्छी प्रकार से उसका मनोविज्ञान जानता हो, तो इस प्रकार से योग्यता होनी चाहिए। घर में हमको भोजन बनाना है तो अब एक तो एकदम फ्रेशर है वो क्या जानेगा, उसको पता ही नहीं क्या कैसे किस तरह किस चीज़ को बनाया जाए। बट एक है जिसको योग्यता है, जिसने सीखा हुआ है तो वो अच्छे से बना सकता है, तो वही प्रबंध है। प्रबंध में भी हम जानते हैं कि प्रबंध कैसे करना है, प्रबंध का ज्ञान है तो हम प्रबंध अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमको प्रबंध का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं है तो हम प्रबंध अगर करेंगे तो वो प्रबंध हमारा नुकसान में जाएगा, हमारा फायदा नहीं होगा। इस प्रकार से प्रबंध की योग्यताएँ होनी जरूरी है। अब वो योग्यताएँ कौन कौन सी हैं इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये छह प्रकार के क्वेश्चन होने जरूरी है। सबसे पहला है तकनीकी कौशल, फिर है मानवीय कौशल, फिर है वैचारिक कौशल, फिर परिकल्पना, विश्लेषणात्मक और प्रशासकीय कौशल। वन बाय वन इनको हम समझते हैं। तकनीकी कौशल वह योग्यता है जिसमें जिसके द्वारा कोई व्यक्ति सिद्धांतों, उपकरणों व तकनीकी का सही प्रकार से उपयोग करना जानता हो। फिर है मानवीय कौशल, Thank you.
कौशल है जिसके द्वारा व्यक्ति मानव को सही प्रकार से समझ सकता हो व उन्हें प्रेरित कर सकता हो। वैचारिक क्वेश्चन हमारा योग्यता है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी संस्था को समग्र रूप से समझ सकता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।